Hello students, welcome to Civil Staff Himachal. Hello everybody, welcome to Civil Staff Himachal. हमारे लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है. एक बार मुझे कंफर्मेशन दे देंगे स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल और नॉट? गुड इवनिंग एवरीबडी. सो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. हमारा डेली करंट अफेयर क्विज सेशन ये 6:30 बजे लाइव आपका हो जाता है. डेली इस सेशन के साथ आप जरूर जुड़ेंगे और अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें स्टूडेंट्स. एंड बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडे सेशन, लेट अस नो बिट अबाउट अवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस. सबसे पहले नायब तहसीलदार और अलाइड सर्विसेज के बैच के बारे में हम बात करेंगे जो कि 1 नवंबर से शुरू हो रहा है. आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज जस्ट 12,500 रुपीज. एंड हमारा जो सेकेंड कोर्स है HPS एग्जाम से संबंधित है, फुल लेंथ कोर्स है जिसमें 200 से ज़्यादा लेक्चर्स इंक्लूड हैं. 75 लेक्चर्स इसमें सी सेट के इंक्लूड रहेंगे. आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे 3,000 से भी ज़्यादा पेजेस के. टेस्ट सीरीज इसका हिस्सा है, मेन्स और प्रिलिम्स दोनों ही. साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू सेशन भी इस कोर्स का हिस्सा रहेंगे और जो भी डाउट्स थ्रू आउट योर प्रिपरेशन रहेंगे उनसे संबंधित वीकली लाइव डाउट क्लासेस भी रहेंगे. एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज जस्ट 22,500 रुपीज. तो जो विद्यार्थी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करेंगे सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी. सो गुड इवनिंग एवरीबडी. सपना, विवेक, संजय, अनिल, सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में. शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो पहला सवाल है द 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड वॉज रिसेंटली कन्फेडेड टू अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रजनीकांत, कमल हसन. काइंडली आंसर स्टूडेंट्स. वेलकम एवरीबडी. खुशी, रोहित, रोहन, चलिए. सो बहुत सिंपल है, खबरों से जुड़े हैं तो जानते होंगे. रजनीकांत अभी 51st दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है ये रजनीकांत जी को दिया है. वन ऑफ द हाईएस्ट और प्रेस्टीजियस अवार्ड है इन द सिनेमा के क्षेत्र में. ठीक है, अभी रिसेंटली 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है उसमें अवार्ड्स दिए गए हैं. दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया रजनीकांत जी को. इसके अलावा मनोज वाजपेयी, कंगना रनौत, धनुष को सम्मानित किया गया है उनकी आउटस्टैंडिंग एक्टिंग के लिए. छिछोरे जो मूवी है उसे बेस्ट मूवी हिंदी मूवी की कैटेगरी में रखा गया है और मलयालम फिल्म जो है मराकर लाइन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है, इसे एक मलयालम फिल्म है और इसे भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है. तो ये कुछ अवार्ड की रहे, ये बेसिकली कई बार पूछ लिए जाते हैं. प्राइमरली दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको जरूर याद रहना चाहिए. चले अगले सवाल पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आयुष्मान भारत, हाँ जी स्टूडेंट्स, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इज ऑफ 4.5 लाख करोड़ एंड इज इंडियाज लार्जेस्ट स्कीम लॉन्च टू स्केल अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकेंड, द मिशन वॉज लॉन्च टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज. सो कौन सी स्टेटमेंट सही है कृपया आंसर कीजिए. काइंडली आंसर स्टूडेंट्स. आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. सो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि इसमें 5 लाख करोड़ नहीं, सिर्फ 5,000 करोड़ रुपीज जो है सेंक्शन किए गए. ठीक है, तो इसी तरीके से सेकेंड आपकी स्कीम बिल्कुल सही है. सेकेंड जो पॉइंट है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा दोनों ही रूरल और अर्बन एरियाज में. ठीक है, तो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है इसे. और इंफ्रा की समस्या स्टूडेंट्स रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, स्पेशली रूरल एरिया में बहुत ज्यादा है. बहुत आइडियल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ से संबंधित नहीं है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है. चल सो अगले सवाल पे आएंगे. ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिश बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे इज कंडक्टेड बाय.
हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नन ऑफ द अबव। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स। आंसर करते रहिए। सो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। अभी रिसेंटली बहुत ही फाइन इनिशिएटिव ये लिया गया है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट किया जा सके इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत इस कमेटी को इस को इनिशिएट किया गया है, ठीक है, और हर क्षेत्र में, हर एरिया का, सेक्टर का में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ सके इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। तो बहुत ही फाइनली इनिशिएटिव लिया गया है, कमेटी विल कंप्रोमाइज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सम अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो उसमें सहभागी रहे हैं। चले, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली ये जानना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लेक टोहाई वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। ऑप्शन ए यूएसए, बी मलेशिया, सी जापान, डी फिलीपींस। लेक टाहोए, बहुत सिंपल सवाल है, ज्योग्राफी पढ़ी है आपने तो जरूर पता होगा आपको। सो ऑप्शन ए जिन जिन का है यूएसए, यूएसए इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी, जिनका भी आंसर यूएसए है बिल्कुल सही है। अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से स्टूडेंट्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ही ज्यादा सूखा यहां पड़ा है, ठीक है, ड्राउट पड़ा है, एंड बिकॉज ऑफ जो इस लेक का पानी का स्तर है वो काफी हद तक कम हो गया है। इतना रैपिडली आज तक ऐसा हुआ नहीं, इतने रैपिड चेंजेस देखने को मिले हों, और ड्राउट की सिचुएशन इस एरिया में बनी हुई है, ठीक है। तो बहुत ही कह सकते हैं कि हार्म फुल इफेक्ट है। अगर टोहाई लेक की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट अल्पाइन लेक है, अल्पाइन रीजन जो है यहाँ का, वहां पर ये आती है नॉर्थ अमेरिका में, एंड सेकेंड डीपेस्ट लेक ऑफ यूएस, ठीक है। तो ये इफेक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। चल, सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। अभ्यास डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इज एन टेम्पलेट ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, एंटी टैंक मिसाइल, नन ऑफ द अबव। हां जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर। अभ्यास, सो अभ्यास क्या है, जिन जिन का आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, अभ्यास इज एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है। बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है, इससे पहले भी इसका टेस्ट किया गया है सक्सेसफुली, लेकिन अभी रिसेंटली चांदीपुर जो आपका बेस इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, चांदीपुर उड़ीसा, वहां से इसे टेस्ट किया गया है, एंड डिफेंस डीआरडीओ द्वारा से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, ठीक है। तो बेसिकली 2012 में ये पहली दफा डेवलप किया गया था, इट वाज डेवलप इन 2012, और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ इंस्टॉलेशन नहीं हो सकती है, इसमें सेंसर्स, लाइव फायर टारगेट, अकोस्टिक मिसाइल जो है वो इंस्टॉल की जा सकती है, डिस्टेंस इंडिकेटर्स वो भी इस पे इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म को, हमारे डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने में अभ्यास का भी रोल इंपॉर्टेंट है, एंड वी आर नॉट जस्ट डेवलपिंग इट बट लेटर ऑन वी आर अबाउट टू सेल इट। कोरिया, साउथ कोरिया इज डिमांडिंग फॉर इट, ठीक है, साउथ कोरिया के साथ हमारी कोई डील हो सकती है, या कुछ साउथ ईस्ट नेशंस भी इसकी मांग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि भारत इसको मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रेजेंट करे। तो चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायगोनोटोपेरियस कोरोना डिस्कवर्ड रिसेंटली इज अ स्पीसीज ऑफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे स्पाइडर, बीटल, फ्रॉग, लिजर्ड। लखविंदर जी बी बता रहे हैं, विशाल बी, बीटल बता रहे हैं आप।
ठीक है जी, बिल्कुल सही। जिन जिन का आंसर बीटल है, बिल्कुल सही। ठीक है, इट्स अ स्पीसीज ऑफ बीटल, अभी रिसेंटली इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में से फाउंड किया गया है। ठीक है, और बहुत यूनिक है अपने आप में। इसे जो कोरोना डिजीज है उसी के नाम पर दिया गया है। इस पर रिसर्च बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, बट बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस डिले इसमें हुआ। हालांकि ये कोई पहली ऐसी स्पीसीज नहीं है जिसको कोविड-19 के नाम पे नाम दिया गया हो। 2000 अप्रैल 2021 में भी कैडिस फ्लाई नामक एक मोथ जो है कोसोवो में पाया गया, उसे भी ये नाम दिया गया था, पोटामोफोक्लिक्स कोरोना वायरस। ठीक है, तो कई बार यहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं, इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चले, सो 15 साल से रिसर्च चल रहा था और डिले हुआ कोविड-19 की वजह से। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द रैंक ऑफ शिमला इन द क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट सर्वे? हाँ जी स्टूडेंट्स, शिमला का क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट सर्वे में कौन सा स्थान रहा अक्रॉस द कंट्री? ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17, डी 12। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स। सो विवेक सोनी जी का आंसर आया अभी, 16 बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से दो सिटीज हैं सेलेक्ट हुई हैं इस कैटेगरी में, तो दोनों के नाम बता सकें तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही, जिन जिन का आंसर है 16, 16वें नंबर पर शिमला रहा है, और दूसरी सिटी कौन सी है? काइंडली आंसर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। तो दूसरी सिटी है धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला का 90th प्लेस इसमें रहा। सो इंपॉर्टेंट है ये डाटा, क्योंकि इसमें ये देखा जा रहा है कि भाई कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना जो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभावित हुई है प्लानिंग्स। ठीक है, उसमें कितना बेटर और तरीके से और डिफरेंट पैरामीटर्स इसमें रखे गए हैं बेसिकली। चलिए अगले सवाल पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली विच फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज नोटिफाइड एज अ स्टेट लेबल फेयर? मिंजो मेला, सुई मेला, नूरपुर जन्माष्टमी, रिवाल्सर फेयर। कैली आंसर स्टूडेंट्स, रिसेंटली विच फेयर? ये पहले भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है आपसे। नाउ सी कि आप कितना ही मेमोराइज रख पाते हैं सवालों को। सो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन सी, नूरपुर जन्माष्टमी। यहाँ फेयर लगता है नूरपुर में, बहुत फेमस यहाँ राधा कृष्ण टेम्पल है, वहां पर ये फेयर लगता है, और इसे अभी नोटिफाई किया गया है एज अ स्टेट लेवल फेयर। ठीक है, जन्माष्टमी के अवसर पर स्पेशली। सो सी इज बेसिकली द राइट आंसर। चले, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप कुछ नई जानकारियां, कुछ नई न्यूज़ेस आपको जरूर पता चली हो, और डेली इसी प्रकार से हमारे सेशंस के साथ आप जुड़े रहेंगे, सो दैट आपकी कंसिस्टेंसी जो है करंट अफेयर्स की पढ़ने की वो बनी रहे। और साथ ही साथ आप हमारे मेंस करंट अफेयर सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम डेली एक सब्जेक्ट से संबंधित सवाल आपसे डिस्कस करते हैं। 2 बजे हमारा ये सेशन रहता है, यू कैन ऑल्सो अटेंड दिस। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।